नमस्कार। अब हम गृहम शून्यम सुताम विना का भाग तीन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राकेश चिंता याहा, चिंता का, चिंता शब्द हिंदी का है, साथ में लगा है याहा, तो बन गया चिंता याहा, चिंता का। षष्ठी व्यक्ति एकवचन। विषयः नास्ति, विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये इस पूरी लाइन का भाव है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम मालाया सह, माला के साथ, गच्छ जाओ, मार्गे रास्ते में, मार्ग होता है रास्ता, तो यहाँ है मार्गे। अब रास्ते, वैसे दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, तो मार्गे मतलब मार्ग में। सा वह सर्वम, सब ज्ञापयिष्यति, बता देगी, रास्ते में वह सब बता देगी। माला, माला माला शालिनी च। अब इसका चा का अर्थ है और, इन दोनों तीनों शब्दों का अर्थ होगा माला और शालिनी, माला एंड शालिनी, माला और शालिनी। चा का अर्थ है और, देखो चा जो है बाद में लिखा जा रहा है, यही चीज अगर हिंदी में लिखनी होती तो यहाँ लिखा होता बीच में, और इंग्लिश में लिखी होती तो यहाँ लिखा होता एंड, माला एंड शालिनी, लेकिन संस्कृत में बाद में लिखी जाती है। माला शालिनी च चिकित्सिकाम प्रति गच्छन्त्यौ वार्ताम कुरुतः, डॉक्टर के पास, यहाँ प्रति हो गया के लिए है ना, डॉक्टर के लिए या डॉक्टर के पास गच्छन्त्यौ जाते हुए, अब द्विवचन है, दो हैं इसलिए गच्छन्त्यौ, ठीक है, दो जाते हुए वार्ताम बातें कुरुतः कर रही हैं। अब यहाँ कुरुता है, ठीक है, करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोति एक वचन होता है, अगर एक कर रही होती तो करोति होता, दो कर रही हैं इसलिए कुरुता। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बातें कर रही हैं। शालिनी किम अभवत, शालिनी क्या हुआ, शालिनी अपनी भ्रात्री जाया, माला को पूछती है क्या हुआ, भ्रात्री जाए क्या हुआ, भ्रात्री जाए का समस्या अस्ति, का मतलब क्या, समस्या मतलब प्रॉब्लम, अस्ति है, क्या समस्या है, शालिनी किम अवत, क्या हुआ भ्रात्री जाए, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो वो रास्ते में पूछ रही है शालिनी कि क्या समस्या क्या है। तो अब माला कहती है, माला शालिनी अहम मैं मास त्रयस्य, त्रयस्य मतलब तीन का, तीन मास का, 3 महीने का, गर्भम, गर्भम मतलब भ्रूण जिसको कहते हैं बच्चा या प्रेगनेंसी, स्वकुक्षौ धारयामि, अपने कुक्ष कहते हैं पेट को, कुक्षौ हो गया पेट में, अपने पेट में धारयामि धारण कर रही हूँ, मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, ये इस पूरी लाइन का भाव है। तब तुम्हारे भ्रातुः, भैया आग्रह अस्ति, आग्रह है या तुम्हारे भैया का कहना है यत कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, लिंग परीक्षण मतलब मैं जांच करवाऊं किसकी, लिंग की, लिंग क्या होता है जेंडर, कि मैं जेंडर की जांच करवाऊं, कारयेयम, एयम कारयेयम, एयम कारये, किम कारये, लिंग परीक्षण, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, कुक्षौ पेट में, कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, पेट में कन्या अस्ति चेत, यत चेत हो गया यदि, यदि पेट में कन्या है गर्भम पातयेयम, गर्भ गिरा दूं, गिरा दूं मतलब उसका अबॉर्शन करवा दूं, उसको गिरवा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत ही उद्विग्न हूँ, उद्विग्न मतलब दुखी हूँ, बहुत चिंतित हूँ, परम लेकिन तब तुम्हारे भ्राता भैया वार्ताम एव न शृणोति, तुम्हारे भैया भ्राता भैया वार्ता मतलब बात ही नहीं सुनते, तुम्हारे भैया बात ही नहीं सुनते, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ।
शालिनी, शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। शालिनी कहती है भैया ऐसा चिंतयितुम अपि सोचना भी कैसे, सोच भी कैसे सकते हैं, भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु बच्चा कन्या अस्ति चेत वधारहा, बच्चा कन्या है तो उसको खत्म कर दो, उसका वध कर दो। यगन्यम कृत्यम इदम्, ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है। इदम् कृत्यम जगन्यम, यहाँ से शुरू करें तो होगा इदम् कृत्यम जगन्यम, ये जगन्यम कृतम इदम्, ये बहुत ही खराब बात है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, तुमने उसका विरोध नहीं किया। सः तव शरीरे स्थितस्य शिशो हो वदारहा, वह तुम्हारे शरीर में, अब देखो शरीरे शरीर में स्थितस्य शिशो हो, रहने वाले शिशु का वधार्थम चिंतयति, मारने की सोच रहा है। तो हम तूष्णिम तिष्ठसि, तो हम मतलब तुम तूष्णिम चुप तिष्ठसि बैठी हो, वह तुम्हारे पेट में शिशु का वध करने की सोच रहा है, तुम चुप करके बैठी हो। अधुना एव गृहम चलो, अधुना मतलब अभी, एव ही अभी ही गृहम चलो, घर चल। नास्ति आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी फटाफट घर चलो। भ्राता, अब आगे क्या है, भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भैया जब घर आएंगे, अहम वार्तां करिष्ये, मैं बात कर लूंगी, जब भैया घर आएंगे ना तो मैं सारी बात कर लूंगी। तो अभी आप यहीं तक पढ़ेंगे, ये था हमारा पार्ट 3। अब पार्ट 4 जो है वो हम आगे वाली वीडियो में सीखेंगे, तब तक आप पूरा पाठ एक बार फिर से रिपीट करें और अच्छे से पढ़ें।